हाउ द जॉस। ये हम पहुंच गए हैं बॉर्डर और ये है हमारा इंडिया का सबसे लास्ट विलेज, इंडिया का एक ऐसा गांव जिनका जिसका परिवार रातों रात अपने परिवार से अलग हो गया। और नेहरू जिन्ना इस दुनिया में नहीं होते तो आज भारत पाकिस्तान दो होते ही नहीं, कोई होते ही नहीं, एक ही होता है। ये हकीकी को गुलामी को जहन अभी है, बिल्कुल। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की सुबह हमारी हो रही है टैक्सी से, और अभी ना हमारा चाय यानी बैटी आ गई, बैटी में ना हमारा कावा आया है। और अभी ना टाइम हो रहा है लगभग 8:45 के आसपास, 15 मिनट बाद जो तांग का बॉर्डर है ना वो खुल जाएगा। तो अभी हम तैयार वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं तांग के लिए। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है जहाँ हम रुके हुए थे, सामने पहाड़, और यहाँ भी आपको सामने पहाड़ वगैरह दिखेंगे। और इस तरीके से टाइम से रात में तो साफ दिख नहीं रहा होगा, और फ्लावर्स वगैरह सब कर रखा है इन्होंने। और यहाँ की ना मिट्टी बहुत अच्छी होती है, यहाँ आपकी दो बार खेती जाती है। जैसे पूरे लेह लद्दाख में ना सिर्फ ये एक एरिया है जहाँ पे दो बार खेती होती है। आज जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है जो भैया जी ने बनाया है। भैया जी क्या क्या बनाया आपने, ट्रेडिशनल क्या क्या यहाँ का है जो आपने हमारे बनाया हुआ है? जी सर, मैंने आपके लिए केसर बना दिया। केसर? कैसे? हाँ सर, लोकल डिश है, बट्टी डिश है सर। माँ एक बार ये आलू में ये केसर है, ये आलू पराठा, ये आलू पराठा हो गया, और ये रायता सर, ये रायता हो गया। ये रायता नॉर्मल जैसे बनता है उसी टाइप का या कुछ अलग है? कुछ अलग है सर। क्या किस तरीके से बनाया? इसमें पुदीना, प्याज, हरी मिर्ची, अच्छा, और दही, नमक वगैरह मिला के सर। ठीक हो गया जी सर। और ये जो आइटम है ये आपका? जी सर, हम इसमें ये मिक्स करते हैं तो बैगवुड आटा, आटा जो यहाँ का फेमस आटा। हाँ, है ना, बिल्कुल फेमस है सर। इसका लगभग कीमत 1 kg का 800 से वो होगा, 800 रुपए किलो इस आटे नहीं का सर। ये इसमें अलग अलग होते हैं, क्वालिटी अलग होता है। अच्छा, कोई 500 में मिलेगा लेकिन वो आटा आटा जैसा नहीं है। इसमें हमने अंडा मिक्स करके बना दिया है, महज आपके लिए। अंडा वाला ना? जी सर। ठीक है, तो ये महज आपके लिए। अच्छा सर, मिक्स अंडा वो भी लोकल, खाने में बहुत मजा आता है। देसी अंडा मिला के खाएगा ना, अच्छा बहुत मस्त होता है। और इस आटे में भी 2-3 किस्म है। एक कस्म आपको 500 में मिलेगा, दूसरा आपको सेकंड 700 में मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट आटा ही हमने बहुतों से खुद खरीद के लाया 800 दे। जी सर, ठीक ठीक ठीक। चलिए शुरू करते हैं। ये तो शायद मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि अंडा वाला है और मैं अंडा खाता नहीं हूँ। ये दोनों खाएंगे और मैं आलू पराठा और रायता के साथ अपना खाना कर लूंगा। तो अभी ना हम यहाँ से थक जा रहे हैं और रेडी हो गए हम, और अपनी बाइक्स लेके यहाँ से हम जाएंगे थांग को। और तो थांग है ना, थांग आपका लास्ट गांव, 0 पॉइंट है जहाँ से पाकिस्तान दिखता है, पाकिस्तान के लोग दिखते हैं और पाकिस्तान के बच्चे, नदियाँ सब वहाँ से दिखती है। तो आज हमारा जो डेस्टिनेशन है ना वो थांग है, और थांग में हमको ना एक भैया है जो हमको वहाँ की बारे में बताएंगे और वहाँ के लोगों से मिलाएंगे, वहाँ की रियलिटी बताएंगे, वहाँ क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ बताएंगे। तो आप ना हमारे चैनल पे बने रहिए। और अब हम चलते हैं तांग के तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में अपनी एंट्री करानी है, उसके बाद एक पुलिस पॉइंट आएगा वहाँ अपनी एंट्री करवानी है, उसके बाद आगे जाएंगे हम थांग को। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको थांग 0 पॉइंट। तो चलिए आपको आज लेके चल रहे हैं हम लोग थांग विलेज में। भाई हमारा तुषार और घुमक्कर, इनने हम लोग जा रहे हैं थांग में, थांग विलेज। ठीक है, थांग विलेज में ना, विलेज इतना बढ़िया विलेज, आपको थोड़ा ऐसा एहसास होगा कि आप लोग पाकिस्तान में पहुंच गए, क्योंकि कभी ये पाकिस्तान के कब्जे में हुआ करता था लेकिन आज हमारी इंडिया के साथ में, कंधे से कंधा मिला के हमारी इंडियन आर्मी के साथ वो देते हैं, हर लड़ाई में उन्होंने हमारा साथ दिया है, और दिल से इंडियन है। दूसरी बात, चलते हैं आगे को यहाँ से थांग की तरफ और दिखाते हैं आपको थांग विलेज। तो फर्स्ट टाइम मेरा कोई एक्सपीरियंस होगा इतना कि मैं इतने करीब से पाकिस्तान देखूंगा। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से एक नया एक्सपीरियंस है। तो चलो चलते हैं आगे से। वहाँ से बस 200 मीटर दूर पे ही आपको चेक पोस्ट मिल जाता है। तो सामने हमारा चेक पोस्ट आ गया है, एंट्री वगैरह करवाते हैं आगे जाके। एंट्री यहाँ होगी वहाँ होगी? अच्छा दोनों जगह एक साथ।
हमारा रास्ता शुरू होता है थांग गांव का और दूसरी तरफ जाते हैं हमारी बटालियन का यानी हमारी आर्मी का जो हमारी रक्षा करती है। और सामने जो पहाड़ देख रहे हो ये सामने ये सारा आपका पाकिस्तान का पहाड़ है और इसके पास मतलब इसके सामने जाने वाले हम इतने बहुत दूर है लेकिन थोड़ा सा दूर है सामने पाकिस्तान। भाई क्या एक्सपीरियंस मिलेगा हमको। तो थांग विलेज के गांव है जहाँ लोगों ने अपने अभी धान वगैरह सुखा रखे हैं। ये सब धान है जितने सब कुछ देख रहे हो ना सामने रखे हुए ये सब कुछ धान वगैरह सुखाने के लिए रखा हुआ है। हम पहुंच गए हैं बॉर्डर और ये है हमारा इंडिया का सबसे लास्ट और सबसे लास्ट जीरो पॉइंट जहां हमने पहुंचना था आज। और यहां ना अभी हम बात करेंगे लोकल से कि क्या कहानी इनकी यहां की है क्योंकि ना बहुत सारे लोकल्स यहां रहते हैं जिनका परिवार ना उस तरफ रहता है उस गांव में रहता है। तो उनसे जाके बात करनी और उनसे पूछेंगे कि कैसे क्या हुआ पार्टीशन कैसे हुआ और आप लोग क्या फील करते हो आर्मी क्या सपोर्ट करती है गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है इसके बारे में ना हमें कुछ नहीं पता। तो उसके बारे में हम जानेंगे यहां के लोगों से। और भीड़ ना लोगों का भीड़ है ये अभी एक साल हुआ है खुले हुए और लोग आने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। तो ये सारे लोग ना सिर्फ बॉर्डर को देखना है लेकिन ना इधर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना एक ऐसा गांव है इंडिया का एक ऐसा गांव जिनका जिसका परिवार रातों रात अपने परिवार से अलग हो गया और अपने फैमिली से भाई से बीवी से बच्चों से सबसे अलग हो गए। और ना कुछ लोग वहाँ रह गए कुछ लोग यहाँ रह गए और सबका कहानी ये था कि हमको पाकिस्तान में जो लोग हमारा परिवार है ना उनको हमसे मिला दो और इंडिया पे वो वाला गांव इंडिया पे मिला दो। तो ऐसी कुछ कहानी इधर के लोगों से जानेंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू पॉइंट। तो खेती वेती करने जाते हैं। खेती पहले कहाँ जाए अभी 50 साल हो गया जी उसी बन माँ बाप जो है उसी में फंस गया। अच्छा नहीं इधर फंस गया हमारे इधर कौन जमीन था क्या सर आप थोड़ा गुजर कर इस तरफ आएगा तो चुलुंग का बोर्ड का एक लंबा सा गाँव है। अच्छा चुलुंग चुलुंग वही में भी पाकिस्तान का पहुंचता है वहाँ भी पाकिस्तान का पहुंचता है। अच्छा फिर सन 1971 में लड़ाई कहाँ से शुरू हो गया बांग्लादेश से शुरू हो गई यहाँ भी शुरू हो गई लड़ाई। हाँ यहाँ भी शुरू हो गया ये हमका फेर शहर का आवाज कोई नहीं सुना हम 18-19 किलोमीटर है। अच्छा हम थंग का है वो बोबंग गाँव में वो चुलुंग का में पाकिस्तान और इंडिया लड़ाई हो रहा है बोर्ड का सुनते रहा जी हम लोगों को ही था आपने तो लड़ाई हो रहा है बोर्ड का सुनते रहा। अच्छा फिर सिर्फ 2 दिन पहले ही चल गया फिर 2 दिन के बाद चुलुंगा से पाकिस्तान का फौज भाग गया फिर तुर्तुक में पहुंच गया। अच्छा दूसरा दिन तुर्तुक में भी अपना इंडिया पहुंच गया पाकिस्तान का फौज भाग गया सुनाया। अच्छा फिर तीसरा दिन में त्यासी पहुंच गया अपना इंडिया अपना इंडियन आर्मी। हाँ इंडियन आर्मी 83 पहुंच गया 83 से भी पाकिस्तान का फौज चला गया। अच्छा फिर हमारा इधर पहुंचना तो जरूर हो गया। अच्छा हाँ फिर हम लोग बिल्कुल डरा हुआ था। अच्छा क्योंकि इंडिया आकर क्या करेगा मारेगा रहेगा कोई पता नहीं था ना। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि फिर अपना इंडिया का फौज पहुंच गया 2 मेजर साहब फौज लेकर के एक तो हमारा लड़ा सिकोट का रिंचन साहब था उसका नाम वो बहुत बहादुरी था वो मेजर था। फिर एक जम्मू का मेजर साहब था जी एस के सिंह साहब दोनों को लेकर के इधर ही हमारे गांव में पहुंची है। हम डर करता घरों में छुपाया हुआ था। अच्छा फिर एक आदमी से मिला ये गांव वाले साहब कहाँ गया हमको मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा हमारे सवाल के लिए नहीं आया बोला तो क्या आएगा सर और लोग बहुत डर गया घरों में छुपाया हुआ। फिर आप लोगों क्यों छुपाया बोलने से साहब हम लोगों का इंडिया वाले क्या करेगा मारेगा रखेगा कोई पता नहीं था। फिर हम लोगों को आप लोगों से बहुत डरा हुआ था इसलिए हम घरों में छुपाए हुए तो गांव भी ले लो। हाँ हम गांव वालों ने बताया था वही गांव ले लो हमारा आधा आदमी से ज़्यादा वही गांव में फंसाया हमारा उधर ज़मीन है किसी का माँ बाप दीदी फंसा हुआ वही गांव ले लो बोला। अच्छा उसको भी कब्जा लो। हाँ हाँ वो भी ले लो अपना कब्जे में इंडिया में लाओ ताकि हमारे परिवार हमारा परिवार हमारा जमीन मिल जाएगा। अच्छा बोला तो अभी नहीं
अभी गवर्नमेंट दोनों ऊपर साथ आ रहा है, सीज फेयर हो गया, अभी इधर से एक कदम आगे जाने के लिए हमको अख्तियार नहीं है। हमारा खुद का हालात बता रहा हूँ आपको, मैं उसी गांव का पैदा ही था, वही फन हुए माँ बाप को मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था। अच्छा, फिर मैं 9 साल में शादी किया था माँ बाप ने, हमारे उधर ज़मीन बहुत था जो उधर 10 साल में इधर 10 महीना रहता था, इधर 2 महीना रहता था इधर। हाँ, फिर नवंबर में माँ बाप ने क्या बोला, बेटा आप इधर 2 महीने के लिए इधर खाद बनाने के लिए जाओ। खाद बनाने? हाँ, बताया मैं इधर का गार्ड टेम्परेरी था, 2 महीना बैठा था। फिर इधर खाद बनाने के लिए हम इधर बैठा था, जो माँ बाप बीबी उसी गांव में था। अच्छा, फिर अपना इंडिया ने ये गांव कब्जा हो गया जी, वो पाकिस्तान में रह गया जी, वो फानु गांव, ये थांग गांव इंडिया में आ गया। फिर मैं इधर फंस गया जी, माँ बाप जो है बीबी उधर ही फंस गया। अभी 50 साल हो गया, अभी हमको ना इंडिया गवर्नमेंट ने तुम्हारे माँ बाप के साथ जाओ बोलकर मैं इधर नहीं छोड़ा, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तुम्हारे बेटे के साथ जाओ बोलकर हमारे बीबी माँ बाप इधर नहीं छोड़ा जी। अभी 50 साल हो गया, कोई आना जाना नहीं है। अभी मैं बाद में इधर शादी कर दी थी इंडिया में, अभी 6 लड़का 1 लड़की हमारा यहाँ पे है। तो हो गया था जी। तो अगर आपको वहाँ जाना होगा, अगर कभी अपने माँ बाप से मिलना होगा, अगर वो होंगे इस दुनिया में, तो उनसे मिलने का रास्ता क्या है? रास्ता तो क्या था, सही दर से हम वीजा बना करके वाघा बॉर्डर से जा सकता था। उसी टाइम पर हम पाकिस्तान तो गया था, इंडिया में हमको मैं अकेला था सर, मैं ज़मीन का काम भी कर रहा था, होश का लोड भी उठा रहा था सर, हमको टाइम इसी महीने में हमको गुंजाइश भी नहीं था। हम दिन भर का काम करेगा तो इंडिया का हमको 5 रुपये कम मिलता था उसी टाइम पर, दिन का 5 रुपये, दिन का 5 रुपये मिलता था। इसी में क्या हो रही, उधर जाना आने के लिए तकरीबन उसी ज़माने का 1 लाख चाहिए था सर, अभी 2-3 लाख से बगैर नहीं जा सकता। उस ऐसा हमको गुंजाइश नहीं हो गया, माँ बाप गुजर, माँ बाप का अभी हड्डी भी नहीं होगा सर। अच्छा, अभी 40 साल हो रहा है उस दिन के बाद, अब कभी नहीं मिले ना? नहीं मिला सर, अभी माँ बाप गुजर गया जी। फिर तो अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये आपका हिंदुस्तान का सबसे आखिरी बॉर्डर है और आखिरी लाइन है, और इसके बाद ना थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि ये सब आर्मी का एरिया होता है, तो आर्मी के एरिया में आप जा नहीं सकते हो, और उसके बाद आपके सामने ना ये जो एरिया है ना, ये सारा पाकिस्तान का है, और वो जो सामने है ना, ये जो आप गाँव देख रहे हो जहाँ पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, वो है फारनू गाँव, जहाँ ना यहाँ के लोग आधे फंस गए थे, यानी जब बॉर्डर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, यानी जो 1971 में जो युद्ध हुआ था ना, उसमें जब इंडियन आर्मी ने यहाँ का कब्जा करा था, तो उसके बाद जो कुछ लोग वहाँ फंस गए थे, तो वो सब फारनू गांव में फंस गए थे वहाँ, और कुछ उनमें से लोग यहाँ फंस गए थे। तो ऐसी कुछ कहानी है यहाँ की। तो ये वो बॉर्डर है जहाँ लोग आज भी एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते हैं, एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, अपने भाई से, अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने बेटे से, बेटी से, तो वो मिल नहीं पाते हैं। तो ये वो जगह है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये जगह, और कमेंट में ना बताइएगा कि आप क्या राय रखते हैं इस जगह के लिए। तो यहाँ पे ना अभी एक स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल, तो बॉर्डर का आखिरी स्कूल है, एक बार ट्राई करते हैं वहाँ जाके, वहाँ के टीचर से बात करते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, उनको टॉफी वगैरह देते हैं, अगर जाने का एंट्री मिलती है, बात करने की एंट्री मिलती तो जाके एक बार बात करते हैं। तो अभी ना स्कूल में हम आ गए हैं, लेकिन जब हम एंटर कर रहे थे ना, स्कूल में बच्चे थे, और जब हम अभी यहाँ पर आए ना, तो सब कुछ बंद हो गया, यानी सब चले गए, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तांग, तो ये लास्ट स्कूल है बॉर्डर का, सबसे लास्ट स्कूल जो हमने अपने कैमरे में कैप्चर करा, और यहाँ के बच्चों से बात करने की थी, लेकिन मौका तो मिल नहीं पाया, टीचर से बात करने का था, बात करने का मौका नहीं मिल पाया। तो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर यहाँ आके बात करेंगे। अब अगर आपने हमारा यहाँ तक ये व्लॉग देख लिया, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और देवभूमि मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आपको जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। तो अभी नमस्ते। तो अभी ना हम अपने होम स्टे में आ गए, जहाँ हम रुके हुए थे टेंट वगैरह, तो यहाँ ना कोई अंकल जी आए, तो आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कुछ यहाँ के बारे में।
नमस्ते अंकल लोग, कैसे अंकल साहब? आप यहाँ पे कब से रहते हैं? मैं जब से पैदा हुआ तब से ही। अच्छा, आपका जन्म यही हुआ था? बिल्कुल, मेरी जन्म भी यही है। क्योंकि अभी हमें ना वहाँ थांग में कुछ लोग मिले थे, पिछले वाले ब्लॉग में हमने बताया था, तो वो लोग कह रहे थे कि हम बॉर्डर के उस पार पैदा हुए थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको हमारे इलाके का कुछ मालूम हासिल हुआ होगा। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफिंग करूँ, बता दूँ कि ये इलाका 71 से पहले पाकिस्तान में, ये इलाका तो चुलुंगा से लेके ये थांग तक। अच्छा, पाकिस्तान में था? पाकिस्तान की मेरी एजुकेशन भी पाकिस्तान की। अच्छा, आपकी एजुकेशन? बिल्कुल, अस्करदू में मैंने पढ़ा है, वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल अस्करदू में। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई सारी पाकिस्तान में? सारी पाकिस्तान में, नौकरी हिंदुस्तान की। अच्छा, पढ़ाई पाकिस्तान की। अरे क्या बात है। ठीक है ना, और पहला टीचर हूँ मैं इस इलाके का जो हमारे चक्षी गांव में। ऊपर आप गया कभी? हाँ, ऊपर जो था वही स्कूल मैंने खोला है। जो स्कूल बंद पढ़ाया भी? बंद पढ़ाया भी, वो पहली बार, पहला टीचर, पहला ओपनिंग मैंने किया बिल्डिंग पाकिस्तान का। अच्छा, और स्कूल ओपनिंग मैंने किया हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। अरे अजीब है। अरे ठीक है ना, तो सर्दियों की छुट्टियां होती थी अस्करदू से। हाँ, ठीक है ना, तो हमें सुनने में आया कि हमारी इस इलाके को नोबरा सेक्टर उन दिनों कहा करते थे। हाँ, 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 ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने हमारी इसी गांव का एक लड़का, इनका भाई साहब। अच्छा, ये जो मोहम्मद खान बैठे है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका भाई साहब पाकिस्तान आर्मी में रहे। पाकिस्तान आर्मी में आपके भाई रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो वहाँ नॉर्दर्न स्कॉट, जिस तरह हमारी लद्दाख स्कॉट है ना, उस तरह एक नॉर्दर्न स्कॉट नाम का एक आर्मी हुआ करता था। अच्छा, आर्मी बटालियन? बटालियन। तो उसमें किशन साहब हुआ करता, तो उसका मतलब उनका भाई साहब उनके पास था। अच्छा, तो वो शाम को आता है हमारे, आप लोग छुट्टी होने में 10-15 दिन थी अभी। हाँ हाँ, सर्दियों की विंटर वैकेशन होने में। अच्छा, तो उसने बताया कि आप लोग हमारी नोबरा सेक्टर में लड़ाई शुरू हो गई है, तो आप लोग को मेरे ख्याल में जाना ठीक है, बेहतर है। अच्छा हाँ, क्योंकि हो सकता है लड़ाई का कोई भरोसा नहीं है, आगे आर पार हो सकता है। सही बात है, सही बात है। हम तो फौज में हम जा नहीं सक पाए है ना। हाँ, तो हम वहाँ से चले आए जी हेडमास्टर, कारगिल टेक्नोलॉजी, इसको खरमंग इलाका कहते हैं, खरमंग। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ भी चल रही थी लड़ाई। अच्छा, कारगिल भी लड़ाई चल रही थी, यहाँ भी लड़ाई भी चल रही थी। अच्छा, तो हम चलते चलते यहाँ पहुँच गए, तो 18-16 दिसंबर की रात तुर्तुक में अपनी इंडियन आर्मी पहुँची है ना। अच्छा, 17 तारीख को उन्होंने तुर्तुक में हाल्ट किया, क्योंकि जवान थके थे लड़ाई लड़ते लड़ते कई दिनों, बेचारों को रात का नींद नहीं मिला था। हाँ, चलते चलते हो सकता है लड़ाई में काफी तकलीफ हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन उन्होंने तुर्तुक में हाल्ट किया। अच्छा, रजिस्ट किया इंडियन आर्मी ने? इंडियन आर्मी ने। अच्छा, मैं कर्नल रिंचन था उसका। कर्नल? कर्नल रिंचन, हमारे नोबरा सेक्टर रिंचन, सेवांग रिंचन। सेवांग रिंचन, सेवांग रिंचन चूर का रहने वाला है, नोबरा का। अच्छा, नोबरा के रहने वाले थे। तो उसकी कमांड में एडवांस पार्टी चल रही थी। अच्छा, पहला पोस्ट उन्होंने ले लिया, उसके बाद चुलुंगा गांव ले लिया। अच्छा, उसके बाद तुर्तुक पहुंचे, वो भी उनको अच्छी तरह से आसानी से कब्जे में हाथ में आ गया। अच्छा, तो 17-18 तारीख की सुबह हमारी चक्षी गांव में पहुंचे। अच्छा, सुविधाएं जो है ना, जो हमें जरूरत है। हाँ हाँ, इंडियन आर्मी की तरफ से हमें पुलअप रखा, ये सबसे बड़ी हम उनकी हमेशा यही याद है। तो यहाँ के लोग कभी जैसे मतलब हमारी तो इच्छा है कि हम जीवन में कभी पाकिस्तान एक बार जरूर देखें, तो यहाँ के लोग जब अपना मतलब घर जमीन सब छूट गया, तो मतलब इच्छा नहीं हुई कभी कि हम लोग को पाकिस्तान जाना चाहिए? नहीं, जाने की बात ये है बेटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही देश थी, एक ही देश है, एक ही लोग है, आज भी एक ही है, वो बस थोड़ा सा बंटवारा है बस। ये नेहरू और जिन्ना ने तो बड़ा, लेकिन हमारा महात्मा गांधी सब नहीं चाहते थे है ना, बंटवारा होना ही नहीं चाहते थे, वो रोया था। बिल्कुल, आपने भी सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा। बिल्कुल 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 है ना। तो नेहरू और जिन्ना चाहते थे हमें दो कंट्री बना दे, एक को मुस्लिम के नाम पे, एक को हिंदू के नाम। आज तक 20 साल हो गया, 55-60 आजादी के, 55-60 साल को होने जा रहा है। बिल्कुल हाँ हाँ। लेकिन हमारी लोगों की दिमाग में तब अभी भी कुछ लोग ऐसे है अंग्रेजों के गुलाम, अभी भी हम सब अभी भी गुलाम। कश्मीर की हालत देखिए, कश्मीर की हालत, कश्मीर और यहाँ में, ठीक है ना, धरती आसमान का फर्क है। सुनिए, 60 साल गुजर गए, आजाद हुए, पार्लियामेंट अपना है, असेंबलियां अपनी चल रही है, इलेक्शन हो रही है। बिल्कुल। लेकिन हम गुलाम है, किस तरह से गुलाम है, आप बोलिए कि कैसे गुलाम है हम? कैसे गुलाम है बताइए? अभी तक हम अंग्रेजों के जुबान को जैसे कि फहराना तौर पर हम बोलते हैं। देखो सर, वो लोग उधर एज कर रहे हैं बेचारे, किसी का मामा, किसी का नानी, किसी का भतीजा, किसी का बहनजा, किसी का इंडियन डेमोक्रेसी जमहूरियत में शामिल हुए। और सबसे खुशकिस्मती ये है कि जमहूरियत में आने, इस देश में आने के बाद हमें वोट डालने का बराबर हकूक मिल रहा है। हम वोट डालते आए हैं असेंबलियों की, पार्लियामेंट के, बाकी जो इलेक्शन हुए वो सारे भी डालते आए, वो आज़ादी हमें मिली है। लेकिन हमारे पाक ऑक्युपाई कश्मीर, जिसको बल्तिस्तान कहते हैं, गिलगित कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ के लोगों को अभी तक
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपना एक नुमाइंदा चुन के भेजने का उनको हक नहीं है, हक नहीं मिला है। अभी समझ ले असम्बली में, पाकिस्तान कौमी असम्बली में नहीं है उनको, ठीक है ना। बाकी उनका ये रीजनल लेवल पे कुछ असम्बलियाँ हैं, उसमें खैर इलेक्शन विलेक्शन लड़ते होंगे चलते होंगे वो तो दूसरी बात, लेकिन कौमी असम्बली में जब नहीं, हमारे दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में जब हमारा नुमाइंदा नहीं पहुँचा, नागरिक होने का जो हक होता है सबसे बड़ी बात आपको है, उन लोगों को नहीं है, उनको नहीं है। तो भैया बातें साथ है तो बहुत सारी होगी, बहुत सारा नॉलेज यहाँ से मिला, बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ से पता चली। और जिस लोकेशन में हम रुके थे ना, उसका नाम है ताक्षी हिडन पैराडाइज एट LOC। तो ये हम LOC के ना LOC रीजन में थे, जो सारा जहाँ पे हम घूमे सब LOC रीजन था। और ये जो होटल है ताक्षी हिडन पैलेस, इनके जो ऑनर है ना बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, खाना भी अच्छा है, फूड इतना अच्छा है। रात का जो हमारा डिनर था ना उस वो इतना टेस्टी था, मतलब आपको यहाँ ऐसा लगेगा ना कि आप अपने घर पे आ गए हो और आपको अपना घर वाला फील मिलेगा। आप ताक्षी के अंदर कहीं भी आओ आपको ये चीज़ फील करेंगे कि आप अपने घर, अपने पहाड़, अपने जहाँ मतलब आप जहाँ रहते हैं ना आपको वैसा व्यवहार मिलेगा और अपने घर वाला व्यवहार यहाँ मिलेगा। और ये इनका रेस्टोरेंट है और यहाँ इनके कैंप वगैरह हैं और नेचर से जुड़ा हुआ है, आप गार्डनिंग वगैरह भी सब अच्छी दिखेगी और रात में बहुत प्यारा दिखता है। अगर आपने हमारा यहाँ तक ये व्लॉग देख लिया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और देवभूमि मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे आपको जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।